तो चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो कई सब्सक्राइबर बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि सर केवीएस ट्रांसफर प्रोसेस 2022 का क्या हुआ। तो सर ये वीडियो दोनों के काम आने वाली है, जो इस ट्रांसफर का वेट कर रहा है उसके लिए भी और जो एस्पायरेंट है उसके लिए भी। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि केवीएस का 2021 वाला ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट हुआ था 2022, क्योंकि वो स्टार्ट ही लास्ट में हुआ था जनवरी तक। मतलब ट्रांसफर तो अक्टूबर नवंबर में मिल गए थे, लेकिन उसका सारा जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था वो कंप्लीट हुआ था जनवरी 2022 तक। आप सुनते रहना, एक्चुअल में अनएक्सपेक्टेडली था। वैसे तो हमने पहले दिन ही कह रखा है कि केवीएस का मतलब ये कि अनएक्सपेक्टेड काम करना, मतलब ये कुछ भी कर सकता है, रैंडमनेस। ठीक है ना, तो हमने ये बताया था कि टेस्ट पोर्टल एक स्टार्ट करा उन्होंने किसके लिए, केवीएस 2022 ट्रांसफर के लिए, और उसकी लास्ट डेट लगी थी 17 फेब 2022। तो अब ये एक्सपेक्टेड था और सब यही सोच रहे थे कि इस डेट के बाद आपके ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना, बिना आंकड़ों के, बिना कैलकुलेशन के, बिना सोचोगे या फिर बिलीव करोगे तो आपको धोखा, मतलब हर्ट ही होगा। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या था, जब 2022 का ये प्रोसेस, 2021 का ये प्रोसेस चला था, तो उस समय भी टेस्ट पोर्टल स्टार्ट हुआ था, उस समय भी टेस्ट पोर्टल स्टार्ट हुआ था। और वो टेस्ट पोर्टल की लास्ट डेट जब थी कि इस दिन के बाद ये टेस्ट पोर्टल खत्म हो जाएगा, जैसे ये 17 फेब है, उसके 1 मंथ, विद इन 1 मंथ आपका क्या आया था, ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, मैं जो भी कहूंगा आपको समझ आए ना आए, आपको लग रहा है कि ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारा बजट लगता है। ठीक है ना, बहुत सारा रिलोकेशन के लिए, जो भी इधर से इधर मूव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस और जो भी चीज है वो सारी अरेंज करनी पड़ती है पहले। ठीक है ना, तो 17 फेब को एंड था, तो मेरे हिसाब से 17 मार्च, या फिर हद से हद का हो तो 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च करके देख रहा था, तो आपको डेफिनेटली ये 2022 प्रोसेस जो ट्रांसफर का है केवीएस का, वो देखने को मिलेगा। और अगर इस डेट तक आपको नहीं मिला देखने को, तो हो सकता है कि वो इस प्रोसेस को ठंडे बस्ते में डाल दे। लेकिन हालांकि ऐसे इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया है तो वो करेंगे, और ये सिस्टम की डिमांड होती है, नीड होती है। चलो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि केवीएस ना जाने कितनी सारी चीजें एक साथ करने में लगा हुआ है। पहली चीज, प्रिंसिपल के ट्रांसफर अप्रैल तक इन्होंने होल्ड कर रखे हैं। दूसरी चीज, केवीएस ट्रांसफर 2022 इन्हें इनिशिएट कर दिया टेस्ट पोर्टल के उस पे। तीसरी चीज, अच्छा इस चीज का जो पीआरटी टू एचएम वाला था, इसका आप ध्यान रखना, पीआरटी टू एचएम वाले में ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन, को इंडिकेट नहीं करता, याद रखना, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन में आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, और जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसे मिलेगा। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कर रखा था, एक सीनियोरिटी लिस्ट बनाई थी, उस सीनियोरिटी लिस्ट में सीनियोरिटी नंबर मेंशन कर रखा था कि इतने से, मानो 20 से 25 तक जिनका सीनियोरिटी नंबर होगा पीआरटी में, उनको ये एचएम में प्रमोट करेंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये एलडी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम को इंडिकेट नहीं करता, याद रखना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सीनियोरिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, तो ये तीन प्रोसेस अभी करंटली होल्ड कर रखी है। ये वाली तो क्लियर है कि ये तो उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया था। देखो
जो भी ऑफिशियल साइट पे मेंशन होगा वही एक्चुअल में सच्चाई है, बाकी र्यूमर्स है और जब तक वो सच्चाई या झूठ में नहीं बदलते जब तक कि पता नहीं चलता। इस वाले के लिए ट्रस्ट पोर्टल स्टार्ट किया था, यह हमें पता चल गया था, और ये वाले के लिए इन्होंने सीनियोरिटी वाइज डाटा कह दिया था, और इसके लिए लास्ट डेट थी इस साल का 2022 लास्ट, मतलब 31 दिसंबर 2022, और इसको बिल्कुल भी इंडिकेट ना करे इससे, याद रखना ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस है जो अभी करंटली होल्ड पे है, और ये वाली तो श्योर है कि होके रहेगी क्योंकि इसको बहुत होल्ड पे रख लिया। इस वाले के लिए केवीएस इंप्लॉय एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ऐसा होगा, और ये उन्होंने, ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस है लेकिन डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम वाला नहीं है, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये सब था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और इससे याद रखना अभी बिल्कुल भी आकलन नहीं लगाया जाएगा कि डिले होगा कि नहीं होगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए वही डेट अभी भी अनाउंस है, जून तक आपको, मतलब जून लास्ट जो भी होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून तक आपको डेफिनेटली प्रोसेस मिलेगा रिक्रूटमेंट का, इनिशिएट हुआ हुआ, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये प्रोसेस होल्ड पे है, और आप समझ सकते हो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे इतना लोड कैसे मेंटेन करेगी वो ये देखना है। थैंक यू।